हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आपका स्वागत है अभी की बातों में। तो दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इंडियन टैलेंट शोज की रियलिटी रियल होती है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इन शोज की रियलिटी उतनी ही रियल है जितनी विकास दुबे एनकाउंटर की स्टोरी। पर जो लोग इन शोज की रियलिटी को सच मानकर कहते हैं, यार इससे ज्यादा रियल चीज तो मैंने देखी ही नहीं, तो उनको बस मैं यही कहना चाहता हूँ, तो चलिए इन टैलेंट कम फर्जी शोज का विश्लेषण हम सब मिलकर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन फर्जी शोज के सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसमें कंटेस्टेंट्स चार कैटेगरी के अनुसार सिलेक्ट किए जाते हैं। पहला, अगर आप अमीर प्लस टैलेंटेड है तो भाई मुझे माफ कर दीजिए, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। दूसरा, अगर आप अमीर प्लस अनटैलेंटेड है तो एलिजिबिलिटी तो खो ही चुके हैं आप सब, प्लस बेइज्जती भी होगी, तो सावधान रहे, सतर्क रहे, जय। तीसरा, गरीब प्लस टैलेंटेड, तो सर आप उस शो को जीत चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं उस खेमे की जिसने अपना दबदबा इन सभी फर्जी शोज पर पिछले 20-25 साल से बना कर रखा हुआ है, और वो है गरीब प्लस अनटैलेंटेड। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस खेमे से बिलोंग करते हैं तो कुछ चीजों की फुलफिलमेंट आपको जरूर से जरूर करनी पड़ेगी, जरूर से जरूर। पहला, आपका मकान किसी चौल में होना चाहिए। दूसरा, आपके मम्मी या पापा या दोनों में से किसी एक का प्रोफेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे सुन के जजेस की आंखों में आंसू आ जाए। मम्मी गुब्बारे बेचती है बैलून पंजाब में। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपकी स्किन का कलर डार्क होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मैं रेसिस्ट साउंड कर रहा हूँ, बट काला होना इन शोज के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना गोरा होना हमारे समाज के लिए। तो अगर इस लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन के बाद भी आप नहीं समझे, तो डेमो दूं? आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप उनको भी एक डेमो दे दे तो। डेमो ओनली फॉर फन। नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सनी। सनी, आप क्या करते हैं? यूएस की एक बैंक में जॉब करता हूँ। मम्मी दिन भर किटी पार्टी में बिजी रहती है। पापा इंडस्ट्रियलिस्ट है। यूएस से इंडिया आने की फ्लाइट नहीं मिली तो प्राइवेट जेट पे आया। आज बॉम्बे में ट्रैफिक बहुत था, चॉपर से आना पड़ा, छत पर खड़ा है। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना, और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा रे। है मेरी कंट्री, Absolutely. ये है मेरा भारत, Absolutely. और ये है मेरा इंडिया, एक देश एक आवाज। यानी कि बिना गुरु के आपने इतना सीखा फोन पे सुन सुन के। नहीं, तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो एक बार आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो अब बारी आती है असली शो की। अब यहां सिर्फ जजेस का काम सारी परफॉर्मेंस को एंजॉय करने का होगा, और कुछ जजेस को तो ये भी नहीं पता कि उनका उस शो में काम क्या है, जैसे चेतन भगत का नच बलिए में,
अनुराग बासु का सुपर डांसर में और लॉर्ड फराह खान का इंडियन आइडल में। चल क्या रहा है भाई? अब आप देख सकते हैं कि फराह खान का सिंगिंग शो में क्या काम। वैसे तो उसका किसी शो में कोई काम ही नहीं है, पर कुछ भी। चलो तुमने ऐसे लोगों को जजेस की कुर्सी पे बिठा भी दिया, पर ये लोग कमेंट्स क्या देंगे यार? इससे अच्छा तो भूषण कुमार को बिठा देते, कम से कम कुछ बोल तो देता वो। तो मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरे मुंह मत लगना तू बस। अच्छा सोनू निगम बैठा है क्या? नहीं नहीं, फराह खान सही है, फराह खान बेस्ट। आइए 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 आइए, ऊपर 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 जाइए। क्या इनका यह बोलना इम्पोर्टेंट था? नहीं, बोलना तो पड़ेगा क्योंकि हमें अपनी इम्पोर्टेंस तो दिखानी है। यू नो फराह, हमेशा एकदम एक शेल में एकदम फोर्सफुल रहती है और बहुत मस्ती में रहती है। आप लोगों के गाने ने इनको इतना छुआ है कि इनकी आंखों में आंसू आ गए। कमेंट देने से बचने की निंजा टेक्निक, मतलब मैम को इतना रोना आ गया कि वो कमेंट्स ही नहीं दे पाई। वाह। और एक बार इन परफॉर्मर्स की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद इन जजेस के कमेंट्स की जगह इनके स्टंट्स देखने को मिलते हैं। अपनी कुर्सी परफॉर्मर के पास ले जाके कमेंट्स देना, और सबसे खतरनाक ये। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अंत में दोस्तों, मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि इन सभी फर्जी शोज की बकलोली तब तक चलती रहेगी जब तक आप और हम इन शोज को देखते रहेंगे। सो दैट इज द फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग यार, बुरा लगता है। जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। और अगर आपको मुझे इनमें से किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके फॉलो कर लो यार। और रुको रुको रुको, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि आपको अगली वीडियो किस टाइप की चाहिए, कॉमिक स्किट, रिलेटेबल कंटेंट या इसी टाइप की कोई रोस्टिंग। कहाँ जा रहा है? ऑडिशन देने? किस चीज का? सिंगिंग का? अच्छा हाँ, तेरा बाप तो पंचर लगाता है, जा भाई जीत कर आना। बाय। बढ़ता